महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर दिल्ली के आदर्श नगर में वर वधु गठबंधन संस्था द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां आए बच्चों ने पर्यावरण, प्लास्टिक की थैलियों को छोड़ो और बापू की अलग अलग तस्वीर को रंगों से भरा। प्रसिद्ध समाज सेवी एवं भाजपा के नेता सुरेंद्र चोपड़ा द्वारा आयोजित समारोह को पूरी तरह रंगों से भरा पड़ा था। दीप प्रज्वलित के साथ शुरू हुए इस अवसर पर मुख्य अतिथि एमडी सिटी हॉस्पिटल नॉर्थ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश मखीजा एवं विभाग संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महेंद्र गोयल, मंडल अध्यक्ष हरीश पत्रा, निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार राकेश बहादुर एवं पूर्व निगम पार्षद नीलम बुद्धि राजा, रमेश चौहान और जिला केशवपुरम के अध्यक्ष रोशन कंसल के अलावा संघ में कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बच्चे जब चित्रकला बना रहे थे तो सुरेंद्र चोपड़ा ने स्वयं बच्चों के बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाया और उनसे जाना कि वह कौन सी चित्रकला बना रहे हैं। समारोह में लक्की कूपन द्वारा यहां पर आए अभिभावकों को और बच्चों को उपहार भी दिया गया। जिन बच्चों ने अच्छी चित्रकला करी उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवार्ड से नवाजा गया। आइए सुनते हैं इस मौके पर जिला केशवपुरम भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं समाज सेवी सुरेंद्र चोपड़ा ने क्या कहा। जिस तरह से ये चित्रकला प्रतियोगिता समारोह में बच्चों का उत्साह देखते बनता था, अगर समय समय पर ऐसे समारोह आयोजित होते हैं तो निश्चित ही चित्रकला करने वाले आज के बच्चे कौन जानता है कि कल को एक अच्छा कलाकार के रूप में प्रसिद्ध सिद्ध हो सकते हैं। टोटल खबर दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।